हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया कि मैं किधर जा रही हूँ। तो गाइस, मैं 4-5 साल बाद ही आज सरोजनी जा रही हूँ। अभी जा रही है। हेलो दीदी। तो अभी मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं। हम सुबह 8:30 बजे निकल जा रहे हैं। अभी 8:30 होने वाले हैं। और गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। ओके गाइस, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। आंखें नहीं खुल रही, तेज़ गर्मी हो रही। सूरज की थोड़ी ब्राइटनेस कम करो। गाइस, जाने के लिए पैसे तो है नहीं। गाइस, मैं वीडियो बनाऊंगी। ये बहन के पैसों से जाना पड़ेगा मुझे। जरा जैसे नदी बह रही हो, पर वहाँ जाके खाली है और वहाँ आगे से भी खाली है। पंजाबी बैंक से सरोजनी नगर। गाइस, देखो मौसम कितना बढ़िया बढ़िया हो रहा है। गाइस, हम लोग आ गए जल्दी। अभी तक यहाँ सामान भी नहीं लगा। अभी अंकल लगा रहे हैं कुछ। अभी हम अंदर नहीं गए, हम सेकंड गेट से एग्जिट हो गए थे। शायद हम गलत से आए ना दीदी। हाँ, दूसरे से आना चाहिए था। तभी हम 5-10 मिनट यहाँ खड़े होके छाँव में फिर जाएंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। चलते हैं अभी, हवा भी मस्त चलती है। धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है, मुझे दिख रहा है दीदी। धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज। आज काली होके जाऊंगी घर से। ओ, हम पहुंच गए सरोजनी नगर। कैसा लग रहा है इसको तो? गाइस, इनको तो धूप में आना बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल। सरोजनी नगर आ गए हैं। बहुत जल्दी आए हैं और हम बहुत जल्दी आए। अभी तक मार्केट नहीं खुली, बट सही है, जल्दी आने का फ़ायदा है। टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है 10। पहुँचे वैसे 10 बजे और हम यहाँ आ भी गए। 8:30 बजे निकले थे हम घर से। तो अभी चलते हैं। मज़ा नहीं आ रहा तुझे जल्दी आ गया? नहीं, हाँ मार्केट खुली। हाँ, मार्केट नहीं खुली गाइस, क्या कर सकते हैं।
शॉप पर रुक लिया। इसने दो ट्राउजर ले लिए हैं, बट उसे और लेने हैं ट्राउजर, इसलिए वो रुक गया। तू जाना तो तू जाएगी नहीं गाइस, यहाँ 100-100 की सेल मिल रही है। अब हम जा रहे हैं ऊपर मुटकी चाय, भैया की शॉप पे 100-100 की सेल, आओ और लेकर जाओ, सारा माल खत्म कर दिया भैया। गाइस मैं तो चलते चलते थक गई, नहीं चाहिए भैया ने, अब यहाँ बैठ के रेस्ट करो। कैसा लग रहा है ए मुटकी कैमरा लग रहा है, मेरी बहन बहुत ज़्यादा थक गई है और कह रही है इसलिए मैं मार्केट नहीं आती। देखो इसका मुंह देखो, इसे मार्केट आना बिल्कुल पसंद नहीं है। फाइनली घर जा रहे हैं, घर जाके बताऊंगा, थक गए, थक यू इंसान गाइस, ये लड़की थक चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर, क्या पता बीच में कहीं और भी चले जाएगी। जब हम वापस आ गए ना तब मौसम अच्छा हो रहा है, तो अब क्या फ़ायदा मौसम अच्छा होने का, हम तो घर आ गए पंजाब वेस्ट आ गए हम इतनी जल्दी। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है अब, और मैं थक गई। यहाँ पे पंजाब वेस्ट में ना न्यू शॉप खुली और मेरी बहन का मन लल चाह रहा है, क्या खाना है 10 रुपये टूटे बटर पकड़ी एक बार पकड़ गाइस, मेरी बहन को खाने 10 रुपये के तुलतुले जो बोलता है ना वो खाने, तब इसके लिए लेकर आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब नहीं चला जा रहा भाई, हालत ख़राब हो गई। अब सीधा घर जाके सो जाऊँगी, कल व्लॉग एडिट करूँगी, कल नहीं मतलब आज शाम तक कर दूँगी, कल सुबह डाल दूँगा। तो अभी चलते हैं घर। गाइस आज सूरज हमारे साथ खेल गया, हम जब अपने यहाँ नांगले में आ गए तो धूप चली गई, सही बात है, सही बात है। मैं सरोजनी गई थी, आपको तो ये पता ही है, और वहाँ से मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ। मैं अपने लिए तो 3-4 चीज़ें लाई हूँ और मेरी सिस्टर भी। तो गाइस पता क्या हुआ, आप लोगों ने देखा मैं सुबह 10 बजे ही पहुँच गई और वहाँ पे मार्केट नहीं खुली। मुझे तो लोगों के ब्लॉग से पता चलता था कि सुबह 10 बजे तक मार्केट खुल जा रही है, बट वहाँ मार्केट ही नहीं खुली। तो हम थोड़ी देर बैठे मैं एंड मेरी सिस्टर, फिर उसके बाद हम 10-10:30 के बीच में गए मार्केट में। मुझे लग रहा था वहाँ पे सामान हर शॉप पे अलग अलग होगा, बट कोई सी भी शॉप में चले जाओ सबके पास सामान सेम सेम सेम, बट ये है कि सबके रेट अलग अलग। गॉइस तुम्हें पता है मैं तो मतलब मैं शॉक्ड हूँ, मैंने वहाँ एक कार को पसंद किया, मुझे बहुत पसंद आया, मतलब क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा पसंद। मैंने भैया से रेंज पूछा तुम शॉक्ड हो जाओगे, 650। मैंने बोला भैया इसको कम कर लो, 600 कर दूंगा, उससे ज़्यादा कम कर ही नहीं रहे। मैं वहाँ बार्गेनिंग ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। एंड मैंने 200-250 में भी सामान लिया है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी। तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को जाना है तो आप वहाँ पर 11 बजे तक पहुँच जाओ आराम से। और गाइस
धूप है तो आप सनस्क्रीन लगा के जाओ, अपने साथ पानी की बोतल लेकर जाओ और फुटवेयर तो ऐसे पहनो जो एकदम जिसमें आप कंफर्टेबल चल पाओ। कि मैं तो थोड़ी हील्स वाली चप्पल पहन के गई थी, जो मतलब उसमें थोड़ी सी हील्स है स्लीपर्स में, तो मैं तो भाई पैरों में थक गया। और मैं आते साथ ही मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर पे आ गई थी 2 बजे करीब, तो मैंने आते साथ ही बस कपड़े चेंज करे और मैं सो गई। अब शाम को बज रहे हैं 6, तो मैं आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। और सच्ची में आप वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो, बट मुझसे तो हुई नहीं। और मैंने सोचा कि अब वहाँ जाने से अच्छा है पहले आते साथ ही कोरियन टॉप देखे मीशो पे, और इतने सस्ते मिले ना फ्री डिलीवरी, तो मैंने सोचा अब कोरियन टॉप्स मंगाऊंगी ऑनलाइन। तो चलो गाइस अब बहुत देर हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मार्केट से लेकर आई हूँ। तो आज फर्स्ट ये ट्राउजर जो मेरी सिस्टर ने अपने लिए लिया है, एंड गाइस उसे ना वो सिर्फ वहाँ पर मेरी सिस्टर गई थी ट्राउजर्स लेने, क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है तो वो पैंट में कंफर्टेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए वो ट्राउजर लेने के लिए इतनी दूर गई थी। बिकॉज उसने ऑनलाइन देखा था तो 1000 के ऐसे ऐसे ट्राउजर मिल रहे थे, तो इसलिए उसने सोचा डेली वेज में पहनने हैं ऑफिस जाते टाइम, तो वो ये लेकर आए। एंड ये अराउंड होगा 250 का था, ये 250 या 300, मैं कंफर्म करके आपको मेंशन कर दूंगी। ओके एंड फर्स्ट ये था। और अंकल हम बोलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। सेकेंड गाइस, सेकेंड भी मेरी सिस्टर का ट्राउज़र है जो उसने बिना चैन वाला एंड बिना बटन वाला लिया है। ये बिल्कुल गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉन्ग है, उसे लॉन्ग ही चाहिए थे बिकॉज वो हाई वेस्ट की तरह प्रॉपर पहनती है क्रॉप टॉप के साथ। तो एक ये था सेकेंड। ये दोनों हैं गाइस अलग 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 अलग, मैं दिखाती हूँ थर्ड जो मेरी सिस्टर का ही है। ये थर्ड, ये डेनिम शर्ट। और गाइस ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। बट गाइस इसमें क्या बताओ, मेरी बहन लुट कर आ गई है इसमें। एंड गाइस देखो कितनी, आप इसे फुकरों की तरह पहनो, मैं इसको आपको इसी पे पहन के दिखाती हूँ, मैं तो फुकरी लगूंगी। पता है क्या हुआ इस, क्या फ्रेंड्स क्या हुआ, ओ देखो मैं लग रही हूँ ना फुकरी, यो 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 यो। तो गाइज सोच सकते हो कितने की होगी ये, थी 550 की। हम शॉप पे गए, हमें अच्छी लगी, ये थी 550 की। मैंने दीदी से बोला बार्गेनिंग कर, उसने नहीं करी। क्या हुआ, मैं करने जा रही थी, इसमें भी एक कहानी है मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये हम जिस शॉप पे गए थे लेने के लिए, वहाँ पर भैया ने हम मुझे 3-4 चीज़ें दिखाई लॉन्ग लॉन्ग, मेरी सिस्टर को तो ये पसंद आ गई थी, उन मुझे भी कुछ पसंद आई थी एक दो, तो वो भैया ने मुझे बार बार पहना के मतलब 3-4 बार उन्होंने मुझे 3-4 ऐसी दिखाई अलग अलग कलर्स में, तो मैंने बोला भैया ये शॉर्ट में नहीं पहनती, आप लॉन्ग दिखाओ। उन्होंने लॉन्ग दिखाई तो फिर ये मैंने मना कर दिया। और एकदम क्या हुआ कि हमारे घर पे पार्सल आया था, तो मैं पार्सल वाले भैया से बात करने लगी, मेरी बहन ने इसके 300 रुपये दे दिए और भैया ऐसी ही सेम के मुझे 150 या 200 में देने के लिए रेडी थे। मेरी बहन ने इसमें थोड़े पैसे ख़राब कर दिए, बट हाँ ये कपड़ा अच्छा है एंड ये मुझे अच्छी भी लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। और तो ये थी, ये तीनों चीज़ मेरी सिस्टर की थी। एंड अब मैं दिखाती हूँ अपनी, जो मैं भी अपने लिए 3 ही चीज़ लाई हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लाई, 3 ही 4-5 लाई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा टॉयज, मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ, दिस ट्राउज़र। अब इसे ट्राउज़र बोलेंगे कार्गो बोलेंगे मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे समझ नहीं आया। गाइस ये मुझे इतना सुंदर लगा है ना, देखो आप इसकी लेंथ देखो एंड ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और बैक से तो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइस ये 250 रुपये का है, मैंने वो हैंगर होते हैं ना वहाँ से लिया था, और उसके जस्ट मैं आगे गई थी, मतलब 10-15 मिनट मैंने आगे शॉप पे गई हूँ, तो यही सेम 200 का मिल रहा है। 200 आप सोच सकते हो,
मैंने भैया से बोला था भैया 200 का लगा लो, भैया कह रहे सुबह सुबह का टाइम है, बार्गेनिंग नहीं होगी, इतने का है लेना है तो लो। फिर मुझे ये पसंद भी आ गया था तो मैंने ले लिया। फिर बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इन भैया से क्यों ले लिया था, आगे ले लेती। और इन्हीं भैया के पास सेम कार्गो था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट वो उसकी क्वालिटी मतलब जो 550-650 वाले में और 250 वालों में ना बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े का इतना ज़्यादा डिफरेंट था ना, बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने वो कार्गो छोड़ दिया एंड ये ले लिया। बट ये कि गाइस वो कार्गो मेरी सिस्टर मुझे दिला रही थी मतलब मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए, बर्थडे आने वाला है, बर्थडे सून, पहले मेरी सिस्टर का आएगा फिर मेरा आएगा, तो मेरी सिस्टर मुझे दिलाने वाली थी। बट ये कि हम गए दोबारा बट वहाँ पर हमें शॉप ही नहीं मिली, इसलिए फिर ध्यान दिया। तो गाइस अब आते हैं फोर्थ, तो ये लिया था गाइस मैंने टॉप और मेरे सुंदर लग रहा है ये मुझे आ जाएगा, ये मैंने अपने लिए लिया है एंड वो कार्गो पैंट या ट्राउजर जो भी आप बोलते हैं ये एंड ये मेरे लिए है। और ये पता कितने का हो सकता है सोचो ओनली 80 रुपीज का है ये टॉप, और इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। और ये मैंने वो वाला हैंगर होता है ना वहाँ से लिया, बट मैं अपने लिए ले नहीं रही थी, फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और एक और गाइस मैंने लिया है वो भी दिखाती है आपको। उस वाले टॉप के बाद ये आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एक मुझे वो अपनी पैंट कार्गो वाली या ट्राउजर जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, भी कन्फर्म आप बता दोगे, एंड ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत बहुत। देखो ये शायद कहते हैं कोरियन टॉप्स, तो मैं अभी आपको पहन के दिखाऊं या नहीं, चलो नहीं मैं पहन के नहीं दिखा रही, बट ये देखो अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस मैंने अपने लिए 2 टॉप और 1 ट्राउज़र लिया, और मेरी सिस्टर ने 2 टॉप और 1 डेनिम ली मतलब शर्ट वाली, और मैंने कुछ लिया नहीं वहाँ पे क्योंकि हर शॉप पे सेम सामान था और मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और हम लोग थक भी बहुत गए थे क्योंकि 12 बजे हम 10 बजे गए थे, 12 बजे हमने शॉपिंग ख़त्म कर दी थी, खा पी कर हम तो आ गए थे भाई। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें लाई हूँ जो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत बहुत बहुत, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। मैं लाई हूँ ये छोटे अपने लिए सामान, मतलब जैसी मार्केट में एंट्री करी थी मतलब सुबह के टाइम 10-10:30 के बीच, तो स्टार्टिंग में ही ये भैया मिल गए थे, तो ये दे रहे थे 100 के 4 दे रहे थे, तो मैंने भैया से मतलब हम ले नहीं रहे थे, फिर भैया कह रहे आप 100 के 5 लगा दूंगा आप ले लो, तो मैंने लिए थे 100 के 5। तो आज है फ्रेंडशिप डे, तो मेरी एक फ्रेंड आई थी मुंबई से मतलब वो यहीं रहती है मेरे बगल वाले घर में ही, तो वो मेरे लिए आज फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट लेकर आई थी मुंबई से आते वक्त, तो एक उसमें था तितली वाला तो मैंने एक वो उसे दे दिया, 5 लिए थे तो एक मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, और वो भी बहुत सुंदर था, मैं अपने इयररिंग्स के साथ मैच करके वो लेकर आई थी, बट कोई नहीं चलता है मैंने उसे दे दिया, बिकॉज गाइज वो भी मेरे लिए एक अच्छा गिफ्ट लाई है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ वीडियो एंड होने से पहले। एंड गाइज मैं लाई थी अपने लिए ये छोटे इयररिंग्स, गाइज ये इयररिंग्स देखो कितने ज़्यादा क्यूट है, ये बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट, क्योंकि मेरे कान भी खा लिए हैं तो मैंने लिया। और गाइज ये है ओनली 20 रुपीज़ के, एंड ये मेरी सिस्टर ने अपने लिए लिया है 20 रुपीज़ के। आपको दोनों में से कौन से अच्छे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना, बट मुझे अभी भी यही पसंद है बिकॉज ये मैंने फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे अच्छा लग गया था तो मैंने इसलिए ले लिया। तो बटरफ्लाई तो गुरुजी का भी होता है, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मुझे पसंद भी आया रियली में, तो ये 20 रुपीज़ के हैं।
और अभी बाकी तो मैं कुछ और एक चीज, हाँ एक चीज और है वो भी आपको दिखा देती हूँ। लास्ट चीज है ये सॉक्स जो वहाँ पे सस्ते में मिल जाती है, उन भैया ने 100 की 5 दी है और कलर्स भी अलग ली थी गाइस। एक ये 100 की 5 थी, तो अलग अलग कलर। 1, 2, 3, 4 and 5 तो ये 5 मैंने ली थी। तो गाइस यहाँ पर मेरे सारे कपड़े ख़त्म होते हैं जो जो मैं लेकर आई थी। आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट करके बताना। एंड आज हैप्पी, आज है फ्रेंडशिप डे, तो मुझे कामनी क्या दे कर गई है गिफ्ट, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो वो मेरे लिए लेकर आई गाइस एक ये क्यूट सी बॉटल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज गाइस आज ही मैंने सरोजनी में सेम ऐसी बॉटल देखी थी और ये बहुत अच्छी है और अंदर से ना कांच की है, तो मुझे संभाल के रखनी पड़ेगी। कॉलेज जाऊंगी, इंस्टीट्यूट जाऊंगी ना, तो इसे पीते जाऊंगी, इसमें पानी लेकर जाऊंगी। तो आप लोगों को ये क्यूट सा गिफ्ट कैसा लगा एंड फ्रेंडशिप डे पे फर्स्ट डे कैसा गिफ्ट मिला, नहीं तो बैंड के बिना अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट फ्रेंडशिप डे का। तो थैंक यू सो मच कामनी ये छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। लव यू ओनली कामनी को। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है ब्लॉग का एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताना। मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरी थोड़ी सी मेहनत थी, बिकॉज गाइज मुझे समझ नहीं आता कि मैं लॉन्ग ब्लॉग में क्या अपलोड करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे कैसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कैसी तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन देना कि मैं कैसी वीडियो आप लोगों तक, जो आपको पसंद आए वो मैं बन सकूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे।